हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋचा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, स्टार प्लस पर फिलहाल जो है वो इंगेजमेंट का त्योहार चल रहा है, क्योंकि यहां पर सारे के सारे टीवी सीरियल जो है यहां पर बाजवा फैमिली की इंगेजमेंट में जाने के लिए तैयार है। तो दूसरी और यहां पर आहाना मृण्मय और यहां पर अमन की इंगेजमेंट की तैयारियां जोरों शोरों पर है। अब ड्रामे इतने ज्यादा सीरियल के अंदर हो चुके हैं, गुम है किसी के प्यार में कि यहां पर आखिरकार इस इंगेजमेंट में होगा क्या, ये सवाल सभी लोगों के मन में आ रहा है। अब जिन लोगों ने यहां पर फॉलो किया है इसके पुराने टीवी सीरियल को, जिसको फिलहाल फॉलो कर रहा है, वहां पर भी लोगों को देखने के बाद समझ में नहीं आया कि आखिरकार कहानी में हुआ क्या। तो चलिए मैं आपको बताता हूं इस सीरियल के बारे में कि यहां पर इंगेजमेंट के अंदर आखिरकार होने क्या वाला है, और आखिरकार क्या वाकई में यहां पर कोई और एक और शख्स निकल कर आएगा इंगेजमेंट का दावेदार, जो एक और नया रास्ता जो है सभी लोगों को दे देगा। क्योंकि फिलहाल यहां पर सभी को लगता है कि अमन मृण्मय से प्यार करता है और वो कन्फेस कर देगा। सभी को पता है कि मृण्मय अमन को पसंद करती है और सभी को लगता है कि आहाना अमन को पसंद करती है, इसलिए उन दोनों की इंगेजमेंट हो जानी चाहिए। और मिस्टर कोठारी जो पहले इतने शॉर्ट एंड स्वीट, इतने प्यारे हुआ करते थे, वो धमकी देने पर आ गए हैं कि अमन पीछे मत हटना वरना रजत पर भारी पड़ जाएगा। वह यहां सब कुछ होने वाला है, और जिस रजत पर भारी पड़ने की बात वो कह रहे हैं ना, वो रजत ठक्कर है, दी रजत ठक्कर है। वो ऐसे लोगों को जो है एक ही झटके में सुधारना भी जानता है। अब देखो, यहां आने वाले एपिसोड में सबसे पहले तो यहां पर हम सभी को देखने को मिलने वाला, हम गुमे किसी के प्यार में की बात करेंगे, महासंगम की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर गुमे किसी के प्यार में की अपडेट है, महासंगम की बात किसी अलग वीडियो में हम लोग कर लेंगे। तो यहां पर जो है हम लोगों को देखने को मिलने वाला है कि यहां पर सारी तैयारियां होने वाली इंगेजमेंट की, और इन सारी चीजों के बीच में जो है सभी को लगने वाला है कि आहाना अपने आप में कुछ छुपा रही है। अब यहां पर जो आहाना इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी अमन से शादी करने के लिए, सगाई करने के लिए, वो आहाना जो है यहां पर छुपते छुपाते सभी को नजर आने वाली है। अब दूसरी ओर जो है यहां पर पूरी तरीके से जो फंक्शन है वो शुरू होने वाला है, और यहाँ पर ये इंगेजमेंट जो है आपकी उम्मीद से काफी ज्यादा ग्रैंड आपको नजर आने वाली है। अब देखो, यहाँ पर इंगेजमेंट है, नाच गाना वगैरह सारी चीजें होने वाली है, यहाँ पर अनवांटेड गेस्ट भी आने वाले हैं। अब यहाँ पर अर्श गुजराल और यहाँ पर आशिका का भी आना तय हो जाता है, और यहाँ पर पूरी तरीके से मिस्टर कोठारी और रजत ठक्कर बड़े बिजनेसमैन हैं, तो सारे बिजनेसमैन भी आएंगे। अब यहाँ पर जो है जब अर्श गुजराल और आशिका वहां पर आने वाले हैं, तो रजत ठक्कर से आमना सामना तो होगा ही होगा। अब यहाँ पर जहां मृण्मय अपने नाम के फियांसे के साथ, जिसके साथ इंगेजमेंट होने वाली है, उसके साथ जब डांस वांस करने वाली है, तो अमन को वैसे गुस्सा आने वाला है कि क्या देखना पड़ रहा है यहां पर, और अमन अपने आप पे गुस्सा निकालने वाला है, लेकिन किसी को बता नहीं पाएगा, क्योंकि यहां पर वो नहीं चाहता है कि रजत के बिजनेस पर कोई आंच आए या फिर मिस्टर कोठारी नाराज हो जाए। अब यहां पर अमन अपने आप को अंदर ही अंदर कोसने वाला है, और उसके अंदर से आवाज आने वाली कि अमन बोल दे, ये लास्ट मौका, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, एक बार एंगेजमेंट हो गई तो भूल जा मृण्मय, तेरे लिए कुछ कभी लगती भी थी। अब दूसरी ओर यहां पर आशिका और अर्श को रगले वाला है कि इस एंगेजमेंट में आकर जो है हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, क्योंकि यहां पर रजत ठक्कर को हम जलाएंगे, और यहां पर रजत ठक्कर जो है पूरी तरीके से जल जाएगा जब वो आशिका और अर्श को साथ में देखेगा, ये उन्हें ऐसा लगता है। लेकिन यहां पर रजत बड़ा ही कमाल का शातिर दिमाग फिलहाल नजर आ रहा है, कहानी में फिलहाल रजत पावरफुल नजर आ रहा है, स्टार्टिंग वाला रजत नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर बीच में रजत का किरदार ऐसा हो गया था जो कि किसी की भी बातों में आ रहा था, किसी की भी बातें सुन रहा था, और कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था, नशे का आदि हो चुका था, आधे ज्यादा टाइम पर नशे में नजर आता था। लेकिन अब यहां पर रजत जो है एक कदम सभी से आगे होने वाला है, जो आशिका रजत को जलाने की कोशिश करने वाली है, उसी आशिका को रजत इतना जलील करने वाला है कि उसे पार्टी में यह महसूस हो जाएगा कि रजत वाकई में जो है उसे पूरी तरीके से बुला चुका है। वेल, यहां पर प्लस पॉइंट है तो नेगेटिव पॉइंट भी आपके लिए सीरियल के मेकर्स रखेंगे डेफिनेटली, क्योंकि यहां पर जिगर को ऑलरेडी अर्श गुजराल जेल से बाहर निकाल चुका है, और जिगर घर के अंदर की काफी सारी बातें जो है वो आशिका अर्श को बता देगा। अब यहां पर जब घर के भेद बाहर चले जाते हैं तो कमजोरी का एक बड़ा पॉइंट बन जाता है। अब वहीं पर जो जिगर है उसने अर्श गुजराल को और आशिका को ये चीज बता दी है कि रजत और सभी जो है केवल लोगों को दिखाने के लिए एक दूसरे के साथ अच्छे कपल होने का नाटक करते हैं,
केवल और केवल अपनी बच्ची के लिए वो हंस बोलकर एक दूसरे के सामने रहते हैं, बाकी उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है। अब आशिका इस चीज का एडवांटेज लेते हुए नजर आएगी, उसे लग रहा है कि रजत के मुंह से ये जो कन्फेशन है वो करवा देगी कि वाकई में सभी से उसका कोई रिश्ता नहीं है, पर उसे ये बात पता नहीं होने वाली है कि सीरियल के मेकर्स ने सीरियल के सभी व्यूअर्स को एक प्यार भरी सौगात देने के निर्णय ले लिया है। अब यहाँ पर देखो कहानी में कुछ ऐसा टर्न आपको जल्द ही देखने को मिल सकता है जहां पर रजत ठक्कर को ये लगने लगा है कि वो वाकई में सभी को अपनी पत्नी मानने लगा है और शर्त की शादी अब वाकई में असल की शादी में तब्दील होते हुए आपको जल्द ही अपकमिंग ट्रैक्स में नजर आने वाली है। बिकॉज मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो उसके बाद यहां पर रोमांस भी दोगुना हमको देखने को मिलने वाला है और उसके बाद कहीं जाकर जो है इस एंगेजमेंट पर काफी ड्रामे होने वाले हैं, नाच गाना होगा, 2-3 एपिसोड लगातार देखने को मिलेंगे आपको फंक्शन की। देन उसके बाद यहां सब्र का बांध टूटने वाला है, यहां पर अमन का भी और मृणमय का भी और सारी चीजें सामने आने वाली है। सवाल निकल कर ये आता है कि आखिरकार फाइनली एंगेजमेंट होगी किसकी। तो चलिए आप वीडियो में लास्ट तक रुके हैं तो आपको इसका जवाब मैं दे देता हूं, क्योंकि यहां पर आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, इतना प्यार आप लोग करते हैं वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहते हैं, वैसे बहुत सारे लोग स्किप करके भी आए होंगे। तो यहां पर आप सभी को बता दूं कि एंगेजमेंट यहां पर अमन और मृणमय की ही होने वाली है, क्योंकि घर वाले जो है वो समझ जाएंगे सारी चीजों को और यहां पर अमन को भी जो है उसके सब्र का बांध टूटेगा एंड वो भी कन्फेस कर देगा एंड सारी चीजें होने वाली है और एंगेजमेंट के बाद कहानी शादी तक पहुंचेगी या फिर नहीं पहुंचेगी ये मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियोस के अंदर, क्योंकि वो अपने आप में एक बड़ी स्टोरी लाइन होने वाली है। क्योंकि सीरियल के अंदर एंगेजमेंट टूटना बहुत नॉर्मल बात है, यूं हो जाती है, टूट जाती है और ये हर टीवी सीरियल की बात है। वेल, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूजर नेम आपको नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।